हेलो फूडीज, आरती फूडी मील्स में आपका स्वागत है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, बाज़ार में बहुत सारे हरे मटर आए हुए हैं, तो मेरा भी मन हुआ हरे मटर की खस्ता कचौड़ी बनाई जाए। मटर की खस्ता फूली फूली हलवाइयों जैसी कचौड़ी का मज़ा लेने के लिए आइए बनाते हैं कचौड़ी। कुछ सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। मटर की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे, और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच तेल, और उसी में हम ऐड करने वाले हैं हरे मटर जिसे मैंने धो लिया था, और इसे हम सौते कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे, 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये हल्के से नरम हो जाए। सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसकी कचौरियाँ भी बहुत टेस्टी लगेंगी। मटर सौते हो रहे हैं तब तक हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं 7-8, और उसी के साथ मैं यहाँ पर हरी मिर्च ले रही हूँ 4 से 5। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कीजिए, आपको जैसा तीखा चाहिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ती, और इसे हम पीस लेंगे। देखिए ऐसा दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। जब तक हमने पेस्ट बनाया है यहाँ पे मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका भी दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। मटर को मैंने यहाँ पर ठंडा कर लिया है, अब मैं इसका दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। देखिए बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। हमें यहाँ पर और एक पाउडर बनाकर तैयार करना है कुछ मसालों का। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है जीरा 1/2 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच। इन सारे मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही दरदरा सा चाहिए हमें। फिर से मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच तेल, इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, हींग चुटकी भर, और जो मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले जो हमने पीस लिए थे, हल्दी 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, मैं यहाँ पर लाल मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च भी हमने डाली थी इसलिए लाल मिर्च कम ही डालना है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इन्हीं मसालों के साथ मैं यहाँ पर 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन से बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आती है, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ में, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून के करीब नमक यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पर शक्कर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और इसमें मैं डालूँगी हरे मटर। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। इसका जो खट्टा मीठा फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। जब तक समोसे की स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथों से थोड़ा मसल कर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच या स्वादानुसार नमक। इसी में मैं मोयान के लिए डाल रही हूँ 1/4 कप घी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर घी का मोयन ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले हम मैदे में सारे घी को बहुत अच्छे से मसल मसल कर लगा लेंगे। घी तब तक मसलना है, देखिए ऐसे जब तक हम गोला नहीं बनाते, ऐसे बॉल बना रहे हैं तो ये टूटेगा नहीं, इतना ही मोयन चाहिए हमें। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बना लूँगी।
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कचौरी का डो होता है वो सॉफ्ट होता है और समोसे के लिए जो हम आटा लगाते हैं वो सख्त लगाते हैं। बस ऐसा ही डो चाहिए। थोड़ी देर हम इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तब तक हम इसकी गोलियां बना लेंगे। ऐसे गोले बनाना है, सब एक ही साइज़ के बना लेंगे और तैयार करके रख देंगे। इसी तरह हम इसके भी गोले बना लेंगे। इन पेड़ों को हल्के से हाथों से दबा लेना है। यहाँ मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसे बेल नहीं रही हूँ, मैंने इसे चपटा कर लिया है। और हम इसके स्टफिंग भर देंगे और धीरे धीरे से इसे पैक कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे, ऐसे हल्का सा दबाएंगे। बस ऐसे ही कचौरियाँ बना लेनी है सारी। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, लेकिन तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं इसमें एक गोला डाल रही हूँ, बहुत धीरे से ऊपर आएगा, बस ऐसा ही तेल चाहिए। और एक एक करके मैं उसमें सारी कचौरियाँ जो हमने बनाई थी वो मैं डाल दूँगी। और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और धीमी आंच पर इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। कचौरियाँ हमारी फूलने लगी हैं, अब हम इसे दूसरे साइड से भी पलटा लेंगे और फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कचौरी को बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। और बस इसे 2 मिनट और फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे और कचौरी निकाल लेंगे। तैयार है हमारी कचौरी, मटर वाली कचौरी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, फुली फुली बनी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं एकदम हलवाइयों के जैसी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।